हमारे बाबा जी के दोस्त थे राजा वल्लभ भाई पटेल जी, रहते आए हुए थे और अपने बराबर माला बना कर हम ले गए, उनके गले में डाले। 62 में रिटायर होकर पटना सदा कसरा में रहते थे, उनको व्यवस्था नहीं था, मरने के टाइम में ऑक्सीजन तक नहीं था। हमारे गांव के इतना बड़ा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए, ये बहुत दिल में गांव भर का खुशी था। राजन भाव के महानता के ऊपर हम वो जमीन दान दे दिए कि हमारे जमीन में उनकी एक अच्छी चीज़ बन रही है, पुस्तकालय। इतना बड़ा आदमी का वादा किया, आम सभा जुटाया, जवाहर के 250 लोग जुटे, उन लोगों के सामने झूठ बोला कि हम लोग जल्द से जल्द इस कार्य को कर रहे हैं। हमको तो पूर्ण विश्वास है हम नहीं देख पाएंगे जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। आप 86 वर्ष के हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 136 वर्ष के हैं, आपका उनसे इतना लगाव कैसे था? हमारे बाबा जी के दोस्त थे राजेंद्र बाबू, लगभग 2-1 साल आगे पीछे का होगा। पिताजी का नाम हमारे पूर्ण जानते थे राजेंद्र बाबू, और आपको दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल जीरादे आए हुए थे और राजतिलक जीरादे में हुआ, और उसमें हमको याद है बचपन की बात कि बड़े गेंदा के फूल लगाए थे, इतना बड़ा बड़ा खिला था, अपने बराबर माला बना कर हम ले गए, उनके गले में डाले। मिडिल स्कूल पर, मिडिल स्कूल वो लोग अपना निजी स्कूल जमीन दे करके गांव वालों को एराजी से वहाँ स्कूल लोअर प्राइमरी और मिडिल स्कूल बनवाए, और ये सरकार में उसमें कुल दूसरा चीज लोग बना दिया है। वो फील्ड था, अच्छी बात थी, लड़के खेलते कूदते हैं, आज तक खेलने का कोई व्यवस्था नहीं। और राजेंद्र बाबू को माला पहनाए, और उनकी एक बड़ी बहन थी श्रीमती भगवती देवी जो ये मंदिर बनाई हुई है, तो फुआ जी कहे कि हमारे पिताजी से इनको भी समय ले चले, समय हवाई अड्डा है हवाई, और ये जो संपत्ति है ये जो बलिया से आकर यहाँ बसे हुए हैं। और कौन कौन है? बाबा चौधरी लाल और बाबा मिश्री लाल। मिश्री लाल के लड़के हुए महेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, और बहन में भगवती देवी। और एक अंतरीय सरकार बना था 1945 में, उस समय राजेंद्र खाद मंत्री थे, और दरिद्र नारायण को भोजन करे 46 में, हम लोग खाना बचपन में लड़के में दौड़ दौड़ कर खिलाते थे लोगों। और दोबारा वो एक बार 62 में रिटायर होकर पटना सदा कसरा में रहते थे, तो पूछे जो किनके लड़के हैं, तो हम बोले बाबू जनरा का, तो हमारे दोस्त हैं बचपन का। और सब उसके बाद उनको एक व्यवस्था नहीं था, मरने के टाइम में ऑक्सीजन तक नहीं था, ये 62-63 की बात करते हैं। हमारे एक गोवर्धन आदमी राजा राम सीता उनका ड्राइवर थे, वो लोग हमसे बताए बहुत बार। तो आपको क्या प्रेरणा मिलती थी, मतलब क्या ऐसा लगता था, मतलब इतना प्रेम देखने से हम लोगों को बहुत खुशी होता था। हमारे गांव के इतना बड़ा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए, ये बहुत दिल में गांव भर का खुशी था। अभी हम आ रहे थे यहाँ पर, उनका जो आवाज देख रहे थे, उससे पहले आपके नाम से भी एक बोर्ड लगा हुआ था कि आपने जमीन दी है और एक अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी निर्माण का, ये क्या मामला है? 5 साल हो गए इसके उद्घाटन में। हाँ, इसमें हम विश्वास कर गए उन लोगों कहने पर, जैसे आप लोग जो पूछते हैं हम बता रहे हैं। तो राजेंद्र बाबू के महानता के ऊपर हम वो जमीन दान दे दिए कि हमारे जमीन में उनकी एक अच्छी चीज़ बन रही है पुस्तकालय, और पैसा का लाल भूमिदान मैंने पैसा का कोई लालच नहीं था, और जाकर ये रजिस्ट्री में यही लिखे हैं कि सांसद नहीं बनेगा तो जमीन में लगे जमीन रहेगा। तो अभी 5 साल हो गया है, जमीन का उपयोग नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने वापस कुछ मांग की है? देखिए, अब जो दान दे दिया उसमें क्या मांग करें, सीधी बात है। अब रहा कि ये लोग जो झूठ बोल कर चले गए जीरादे से, अभी हमारे MP साहब हार गए, और एक यहाँ का क्रिमिनल टाइप का आदमी
वो जीत गया और जेल में बाहर रहते हुए भी हार गए। अच्छे काम किए थे तो कभी नहीं हारते, ओम प्रकाश की बात कहते हैं। और राज्यसभा से अब आर के सिन्हा जी के बारे में, आर के सिन्हा के बारे में तो वो भी झूठा आदमी है। इतना बड़ा आदमी का वादा किया, आम सभा जुटाया, जवाहर के 250 लोग जुटे, उन लोगों के सामने झूठ बोला कि हम लोग जल्द से जल्द इस कार्य को कर रहे हैं। और एक पैसा आज तक कोई नहीं है बोर्ड में। वो सुनील सिन्हा कहीं से 2 पैसा लाते हैं तो ये बोर्ड वोर्ड लगाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके जी आप 86 वर्ष की उम्र हो गई, आपको लगता है आप अपने जीते जी कोई लाइब्रेरी यहाँ पर देख पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी जिसको? हमको तो पूर्ण विश्वास है हम नहीं देख पाएंगे जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। हमको बहुत ही कष्ट है, अगर हमारा ज़मीन वापस हो जाता तो अति खुशी होती। तो क्या घर वालों का दबाव होता है आपके ऊपर कि आपने ज़मीन दे दी, देखिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वापस? सब कुछ हमारे बड़े लड़के रामेश्वर जी हैं और एक लड़के जितेंद्र सिंह हैं, ये लोग, और सत्येंद्र एक छोटा लड़का है, ये लोग हमारे विरोध कोई कुछ नहीं बोल पाता है, जबकि हम गार्जियन है, दान दे दिए थे, बोलने का सवाल ही नहीं। ये सामने मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं, मैंने ये भी सुना। एक पैसा नहीं मिलता है सरकार से ना कोई देता है। बिरला की मंदिर बताई जाती है, बिरला जी की नक्शा है केवल, और बिरला जी आज तक झूठ देखने के लिए इस मंदिर को नहीं आए। घनश्याम दास से बिरला जी से। अब 136वीं पुण्यतिथि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, और ऐसा माना जा रहा है जैसे देश उनको भूलता जा रहा है। आप उनको इतने अच्छे से जानते हैं, 86 वर्ष की आपकी उम्र है, आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है, आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है उनको खासकर? अब देखिए हमारे सेंस का ये बाहर की बात है हम जो पूछ रहे हैं, मगर बन जाता तो हमको अति आनंद होता, दान देने का सवार्थ हो जाता। मगर उम्मीद है कि ये लोग मिलजुल कर लूटने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कहेंगे। धन्यवाद।